इजी तो सब लोग बोल देते फटाफट, ठीक है? अब हम बॉन्ड इसको लाइन डिस्कस, स्ट्रक्चर नहीं दैट इज ओके, या आई एम वेरी श्योर एवरीबॉडी नोज व्हाट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, राइट बेटा? यस यस। सो आई एम गोइंग टू टेक नेम्स, सिर्फ वो ही लोग आंसर करना, सब लोग आंसर मत करना। जी मैंने नाम बोला बच्चे लोग भाग गए। ओके फ्रॉम बैच 3, आर यू देयर बेटा? भाई मैंने बोला अब चला गया। अमित चौबे, यस सर। बच्चे हाय, हाय सर। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू हेल्प मी, यू आर गोइंग टू हेल्प मी विद द नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड व्हिच वी कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके बेटा, यस सर। फॉरगेट अबाउट द साइड चेंज जो दिया है ना, वो उसको देखो, ऊपर एक एंटीना है, साइड में एक मकड़ी बने ला है, वो भूल जाओ। हाँ। वो पहले भूल जाओ। पहले जो अंदर बनाया हुआ है वो क्या है पहले मुझे बोलो। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन है कि क्या है? साइक्लोहेक्सेन ना सर। वेरी गुड, वेरी गुड, साइक्लोहेक्सेन। ये बेटा वो जो ऊपर उसको एंटीना लगाया हुआ है और साइड में जो मकड़ी का टांग लगाया हुआ है वो क्या है? वो सर उसको बॉन्ड है किसी चीज का, वो बॉन्ड है। कैन आई कॉल इट एज अ साइड चेन? कल आप कल के लेक्चर में थे बेटा? यस सर। हाँ ना, सोचिए क्यों बोला। यस सर। ओके, तो कल हमने साइड चेन्स के बारे में सीखा था, राइट? स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो होता है उसमें साइड चेन्स लगी होती है, रिमेंबर? हाँ। तो उसी तरीके से ये भी साइड चेन्स है, ठीक है? पहला वाला साइड चेन जो ऊपर लगा है एंटीना, वो हाँ। क्या है? मतलब मिथाइल, अल्काइल, ब्यूटाइल, कौन सा अल्काइल है वो? मिथाइल। गाइस लेट हिम, मिथाइल, मिथाइल है सर, मिथाइल। क्यों बेटा, क्यों मिथाइल बोल रहे हो आप बेटा? किधर है सर? एक ही लाइन है सर। एक ही लाइन है? हाँ। अच्छा, वो एक चार सेटिस्फाई कर रहा है ना, CH और CH3, उसके मिथाइल हो रहा है वो। अच्छा, अब देखो बॉन्ड लाइन में ना एक लाइन अगर बाहर निकला रहेगा तो वो जो ऊपर वाला टिप दिख रहा है आपको, वो हाँ। वो ऊपर वाला जो टिप है, इट मींस मिथाइल, वन कार्बन एटम। आई जस्ट मूव द कर्सर, माय वॉइस माइट ब्रेक। टिप आई एम टॉकिंग अबाउट मींस वन कार्बन एटम। यस सर, दैट इज ऑन पोजीशन नंबर 1। अब बेटा पोजीशन नंबर 3 पे आ जाओ। आप पोजीशन नंबर 3 पे कौन से क्या बोलते, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? सोच समझ के बोलना, इट्स ओके, इवन इफ यू आर रॉन्ग इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सेकंड सर, थर्ड पे ना? हाँ, थर्ड पे क्या लगा हुआ है बेटा? सर CH2। बढ़िया है। सर वॉइस नहीं आ रहा है। यू सी द मार्कर मूविंग? यस। ओके, सी दिस वन कार्बन एटम ओवर हियर। यस, वन कार्बन एटम ओवर हियर। थ्री। या तो कितना क्या लगा हुआ है फिर यहाँ पे? CH3। थ्री। आई जस्ट काउंटेड, यू जस्ट काउंटेड 3 कार्बन एटम्स, राइट बेटा? What group, yes, or side chain consists of 3 carbon atoms? Methyl. You just told me that methyl contains 1 carbon atom, जो top पे लगा हुआ था. So which side chain will contain 3 carbon atoms, beta? Do not get propyl. Nervous. Propyl. Very good. See, you know the answer. Trust me, I'm the most useless person on earth. Okay. So if you need not be scared of me. मतलब मुझसे डर के ना, मुझसे डरना is like you getting scared of ant, चींटी से डरना, ठीक है ना? तो मैं दुनिया का सबसे आखिरी इंसान हूँ जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए आपको आपके किसी भी टीचर से डरने की जरूरत नहीं बेटा। हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, ठीक है? आप आंसर दो, आप इंटरेक्ट करो, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप डरो मत बेटा, ठीक है? देखो आपको आंसर पता था प्रोफाइल, तो आप डरने का नहीं, ऐसा बिंदास बोलने का, कुछ गलत रहेगा तो मैं है इधर। अभी हम लोग, अभी तुम थोड़ी केमिस्ट्री के विद्वान हो गए हो, तुम सीख रहे हो, राइट? मैं सिखा रहा हूँ ऐसा। तो तुमने एकदम सही कहा, ये थर्ड पोजीशन पे प्रोपाइल लगा हुआ है और फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। कैन यू मेक एन अटेम्प्ट, कैन यू अटेम्प्ट
to classify or to nominate or give a IUPAC name to this entire compound? एक अटेम्प्ट बस सर, वो नंबर्स भी आएगा ना इसमें, मतलब तीसरे नंबर पे तो कल जैसे किया था हम लोग ने, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा। इफ यू आर रॉन्ग इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज एट ऑल, दिस इज अ न्यू टॉपिक व्हिच आई एम टीचिंग यू। इथाइल पेंटेन एस 3 प्रोपाइल पेंटेन। ओके ओके ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग सर, बट इट इज ओके, आई एम हैप्पी दैट यू एटलीस्ट ट्राइड। ठीक है सर, यू एटलीस्ट ट्राइड। अच्छा, आई डोंट वांट अदर्स टू टॉक व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन, व्हेन आई टॉक टू यू आई वांट ओनली दैट पर्सन टॉकिंग। ओके गुड, ठीक है अमित राइट, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। ओ म्यूट योर माइक नाउ, गुड बेटा। नाउ Batch 1, Christine, C-H-R-I-S-T-I-N. Asalo dhar ge renge, na pooch rahe sir, to mute kar lete sir. Christine, are you there, beta? Bhushan ke niche Christine, jiska naam hai, batch 1. Okay, so you know what is this proof? This proves that you guys have just switched on the lecture and you're not even paying attention to what I'm talking. This is very bad. Okay, Ayush Rai. Okay. Bhavini Suralkar. Am I connected, guys? Yes, sir. I always hear the daily few names which are repeated again and again. Today, I want to interact with the other half of the class. I'm taking names because I know you will never speak. So, I want you guys to speak. If you are not replying, I'm taking it as like you're not paying attention or is going on somewhere else and you are talking somewhere else. But your voice is breaking. मेरे वॉइस को आग लगने दो बेटा, ये तो मैं कर्सर मूव करूंगा तो वॉइस मेरा ब्रेक हो गई। मानस लेट एडमिशन। यस सर। हाय मानस। हाय सर। तुम ट्राई करोगे बेटा इसको आईयूपीएससी नेम देने का? यस सर। प्लीज ट्राई करो। वन मिथाइल थ्री प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड। आई डोंट नो वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, बट थोड़ा सुन के अच्छा लगा। लेट अस आस्क शुभम। शुभम कैन यू ट्राई? यस। हां ट्राई देन। शुभम का एक हाथ माइक पे रहता है, कब ये पूछे कब मैं यस बोलूं। वन मिथाइल थ्री प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके वेरी गुड। चौबे जी, अमित चौबे। यस सर। हाँ बच्चे, आपने सुना इन दोनों के आंसर्स को? हाँ सर। थोड़ा क्लेरिटी मिला बेटा? हाँ सर समझा। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले पोजीशन का नंबर देते हैं, उसके बाद उसको जो साइड चेन लगा हुआ है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो साइड चेन है, तो दो नंबर और दो साइड चेन के नाम आएंगे और उसके बाद पेरेंट कंपाउंड का नाम आता है, राइट बेटा? ओके सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट है। कौन है? मैं पीयूष ढोकले। बोलो बेटा। सर अपन पहले अल्फाबेटिकली। वेरी गुड, आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट। यस, इसमें भी अपने को अल्फाबेटिकली ही करना है बेटा। मुझे बताओ मिथाइल और प्रोपाइल, एम और पी, एम पहले आता है कि पी पहले आता है? एम पहले आता है, इसलिए यहाँ पे वन मिथाइल और थ्री प्रोपाइल ही रहे। यस ठीक है पीयूष। यस सर। पीयूष। यस सर। यस ओके ओके सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। तेजस मिथाइल नहीं इधर, तो अगर उधर आइसो जैसा कुछ आता तो वो आइसो जैसा अगर कुछ आएगा ना, तो कल पता है तो मैंने तुमको लास्ट एग्जांपल में ब्रैकेट में लिया था उसको। यस यस वैसा करने का।
ठीक है सर, पर तब अभी सबसे पहले वो डाई ट्राई वो सब अल्फाबेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेने का ना, तो आईसो को लेने का अल्फाबेटिकल ऑर्डर? नहीं नहीं, आईसो को भी नहीं लेने का, ठीक है सर। ओके यस शैरन बोलो बेटा, आप भी पूछ रहे थे कुछ सर, इसको नंबरिंग साइक्लिक के हिसाब से लेने का है कि? वेरी गुड, यस लेट मी कम टू दैट पॉइंट। इसको नंबरिंग साइक्लिक के हिसाब से देना है कि ए साइक्लिक के हिसाब से देना है? फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी फ्रॉम साइक्लिक। ए तुम लोगों नॉट साइक्लिक सॉरी क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तुमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझता है ना? यस। हां क्लॉक डायरेक्शन में घूमना मतलब क्लॉकवाइज, और ओके उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। आ जाओ अच्छा एग्जांपल वन सर, ऐसे ले सकते ना थ्री प्रोफाइल साइक्लोहेक्स। हां बेटा बोलो सर, अगर जो छोटा कंपाउंड है उसको वन देने का, जो बड़ा थोड़ा सा ये देने? नहीं वो रूल देखते हैं हम लोग, वो देखेंगे शुभम रुको। वन मिथाइल थ्री, व्हाट कैन यू सी, देखो वर्डिंग्स के बीच में डैश है ना, ये छोटी-छोटी बातें हैं बेटा। ऐसा मत बोलना कि अरे मैं तो सिर्फ एक डैश डालना भूल गया था तो मेरा आधा या एक मार्क क्यों काट दिया। भाई वो आईयूपीएससी ने स्टैंडर्ड बनाया है, तुम आईयूपीएससी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स फॉलो करने हैं अपने को। ओके बेटा यस सर यस। नाउ लुक एट दिस, चलो ये जो तुम्हारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला डाउट था ना शैरन, वो यहाँ पे इट्स गोइंग टू टेक एन इंटरेस्टिंग टर्न, सो वी विल लुक एट दैट आल्सो। सो बिफोर गोइंग अहेड आई वांट आलोक शर्मा टू हेल्प मी विद दिस। तुम लोग मेरे को बहुत गाली देते रहेंगे ना कि आज नाम्स क्यों बुला रहे हम लोग। नो अच्छा आलोक आप हो बेटा, आलोक शर्मा जी चलो ये भी अपनी दुनिया में नीचे जाता है से। सागर सागर फ्रॉम बैच वन, सागर सागर ने तो नहीं किया है, माइक ही नहीं दिख रहा है उसका। सागर आप हो? ये नीचे वालों का तो माइक ही नहीं दिख रहा है किसी का भी, क्यों ऐसे? सर कंप्यूटर पे भी रहती है कोई कोई? हाँ सर कोई कोई कंप्यूटर पे भी रहती है। कितने मेरे बच्चे प्यारे हैं देखो, तानिया एक्सटर्नल कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा इसका पेरेंट अल्केन कौन है जो स्क्रीन पे है? इथाइल। ओके लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिख रही है बेटा आपको यहाँ पे? सर लॉन्गेस्ट चेन हाउ सामने दिया हुआ है बेटा स्क्रीन पे देखो। यस सर। इट्स ओके डोंट गेट नर्वस बच्चे आराम से। हाँ हेक्सेन। वेरी गुड हेक्सेन है राइट, और ये हेक्सेन ओपन चेन है कि क्लोज चेन है? सानिया तानिया क्या नाम था मैं तो भूल भी गया बेटा। तानिया तानिया हाँ बोलो बेटा। ये ओपन चेन है कि क्लोज चेन है? क्लोज चेन। क्लोज चेन है तो ये कौन सा हेक्सेन हो जाएगा, ओपन चेन हेक्सेन कि साइक्लो हेक्सेन? साइक्लो। वेरी गुड, साइक्लो हेक्सेन इज इट्स पेरेंट कंपाउंड। अच्छा ब्रांचेस कहाँ पे लगे हुए हैं बच्चे? वन और थ्री पे। वन और थ्री पे एक्सेलेंट, वन और थ्री पे मिस्टर सूर्यकांत गुप्ता। ओके सो वन पे कितना साइड चेन लगा है तानिया? सर दो। दो वेरी गुड, कौन से हैं ये दो? इथाइल। आर यू श्योर? दो अलग अलग है वो एंटीना देखो सी। ओके हाँ सर सर मिथाइल। वेरी गुड, दो अलग अलग मिथाइल है। अच्छा दूसरा कहाँ पे लगा है तानिया?
थ्री पे. थ्री पे वो क्या है, इथाइल है कि मिथाइल है? सर वो प्रोपाइल है. कितना कार्बन एटम से पहले गिनो, थर्ड से? थ्री. कैसे थ्री बेटा? एंड सर यस वन वन टू टू तानिया. हाँ सर. दो है ना? हाँ. मैंने कर्सर मूव किया ना बेटा, आपको दिखाया दो कहाँ पे है. तो दो है तो क्या हो जाएगा फिर वो? इथाइल. वेरी गुड वेरी गुड गुड बेटा. ठीक है अभी. थैंक यू सर. यस बेटा अभी सुचित पिल्लई फ्रॉम बैच वन. सुचित आर यू देयर इन द लेक्चर बेटा? यस सर. हाय बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम बता दो. एटलीस्ट ट्राई करो. थाईलैंड और मिथाइलैंड जिसे. डरो मत यार, ये बहुत छोटी सी चीज है. हाँ हाँ ए मेरो इट्स ओके, टेक योर टाइम. इट्स ओके, टेक योर टाइम, डोंट वरी. घाई मत करो, आराम से. वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. अभी तो कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ. साइक्लो. साइक्लोहेक्सेन इज द पेरेंट कंपाउंड, करेक्ट? हाँ. पर इसका आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे आप? इट्स ओके रिलैक्स. हाँ बेटा. यस सर. Even if you are not being able to, absolutely fine. बस प्रेशर मत दो अपना दिमाग. सर एक मिनट. हाँ चलेगा, मैं दो मिनट रुकेगा. तब तक मैं सूर्यकांत गुप्ता जी को रिप्लाई कर देता हूँ, उनको उनकी बैंक गारंटी चाहिए. बेटा कल से ना 50% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल चालू हो गए, तो प्लीज जाना मत. नहीं जाने का. हाँ नहीं जाने. नहीं जाने. वेरी गुड. ओके सर. ओके. प्यार से तुम सर बोलते हो, पिघल जाता हूँ. बोलो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. नहीं आ रहा. टॉन्ट मार रहा था ना. बताओ. साइक्लोहेक्सेन. तुम्हारा एक गलत हुआ, बाकी सब गुड. गुड ठीक है, करेक्ट. सो यू आर राइट, इट इज थ्री इथाइल 1.1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. एवरीबॉडी अग्री टू वन सर? क्लॉकवाइज पोजीशन देना, नंबरिंग देना. क्लॉकवाइज नंबरिंग देना. ये बेटा इसको मैं अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज दूंगा तो क्या होगा सर? नंबर बड़ा हो जाएगा. यस सर, उल्टा हो जाएगा. जहां पे दो साइड चेन्स लगे हुए हैं ना, उसको कभी भी बड़ा नंबर नहीं देना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए दिस मेथड इज परफेक्ट. सुचित डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? पिल्लई, सुचित पिल्लई. यस सर. यस सर. समझाना बेटा तुमको. हाँ सर समझा. वी विल गो वेरी स्लोली. आई डू नॉट वॉन्ट टू रश. आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडी टू स्टे कंफ्यूज. इफ यू हैव एनी नाउ, व्हाई एम आई टेकिंग रैंडम नेम्स? व्हाई एम आई टॉकिंग टू पीपल हु नेवर स्पीक इन द क्लास? बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेदर यू गाइज आर फॉलोइंग दिस और नॉट. बिकॉज अभी मैं आऊँ, मैं बोल बोल के चला जाऊँ, कुछ लोग बात करें बस, तो भी सबको समझना चाहिए ना बेटा. तो दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग टू रैंडम पीपल टूडे. सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड. आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्राई इट. ओके बेटा. So you are right. Yes. Thank you, Piyush. Others. I am purposefully not allowing others to talk today. Welcome, because... sir. Yes, beta. Hello, sir. Beta. Sir, एक बार फिर से नेम बताओ. ये देखो, right to left compound को number करने का ethyl group third पे है, right? And first पे there are two methyl groups.
इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री इथाइल 1.1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम है इसका। क्वेश्चन बेटा महेश बोल रहा था ना, महेश? नो सर, भूषण। भूषण बोल रहा था, भूषण आवले, बोलो बेटा। Yes, समझा ये सर? एग्जांपल कौन आ रहा है सर? ये एग्जांपल हमने सामने तो है, और एक एग्जांपल और देंगे, बहुत सारे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। मैं होमवर्क दूंगा इस बार, मैं कभी होमवर्क नहीं देता, मैं मस्त लिस्ट बना के भेजेगा मैडम तुम लोग को। मैंने दिया था वो, हर बार मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं कभी होमवर्क नहीं देता और मैं हर बार दे देता हूँ। अरे तो जिसमें सॉल्व कर लेकर था उसमें तो होमवर्क बनता है ना रे, ठीक है, ओके। तो दिस इज थ्री इथाइल 1.1। अच्छा, कैन दिस बी, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 इथाइल 3.3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन? नो नो नो, अगर मैं इसको ऐसे नंबरिंग करूं तो क्या होगा, 1 इथाइल पे आएगा और 2 मिथाइल ग्रुप 3 पे आ जाएगा, जो गलत है, ऐसा नहीं करना। ओके शारन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आई गेस आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सर पर कल बोला था कि हेवी जो है, हेवी साइक्लिन के लिए कम आना चाहिए, तो ऐसा इथाइल में आना चाहिए ना। अच्छा, व्हाट इज इथाइल का फॉर्मूला बेटा? C2H5। व्हाट इज द कंबाइंड फॉर्मूला ऑफ टू मिथाइल ग्रुप्स? C2H6। हाँ, कौन हेवी हुआ? C2H6। करेक्ट, समझे बेटा? यस सर। ओके, अंडरस्टूड ना शायद? यस सर। ये क्या है? अल्कोहल। 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 इट इज अल्कोहल। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप OH इज नथिंग बट अल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। फंक्शन, अच्छा बिफोर गोइंग अहेड, इज एवरीबॉडी अवेयर ऑफ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? यस 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 यस। तन्मय, हाइड्रोजन निकाल के लगा। तन्मय, तन्मय लोंधे, बैच 3। तन्मय, मेरा वीडियो बंद है ना? हाँ। यस सर, पता चला मैं बेड पे लेटा हूँ और आप लोग मेरे को देख रहे हो। ओहो, तन्मय, तन्मय लोंधे झोपले तो। स्वयं संदीप कुमार सिंह, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, स्वयं। यस सर। स्वयं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है स्वयं? सर जो एक हाइड्रोजन को हटा के लगाते हैं। एक हाइड्रोजन को हटा करके लगाते हैं, ओके ठीक है, या समवॉट ओके, मतलब नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन बट यस। सर सर, जो उसका, हेलो उसका, बोलो, फंक्शन डिसाइड कर सकता है। हाय सर, केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है, डिटरमाइन करता है, उसका फंक्शन बताता है, अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अंडरगोस चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के कंपाउंड। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ डिफरेंट होमोलोगस सीरीज ऑल टुगेदर, राइट? यस सर, यस यस। It is an atom or a group of atoms which is present, which determines the characteristic property of a molecule. ये देखो, methanol, ethanol, propanol. इसमें क्या किया बेटा अपने, मीथेन में से E निकाल करके ऑल डाल दिया, इथेन में से E निकाल के OL डाल दिया, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा अल्कोहल ग्रुप का? OL हो जाएगा। तो जहां पे भी मेरे को अल्कोहल, हाँ नहीं, प्रीफिक्स मतलब आगे लगता है बेटा, ये सफिक्स है ना, पीछे लगा है ना। यस, प्रीफिक्स कब लगता है? प्रीफिक्स कब लगता है? जब उसके अंदर पोजीशंस आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है? यस। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे ना एक कॉल आ रहा है बेटा, मुझे एक कॉल लेना पड़ेगा। ओके सर। यस सर, चलेगा। हेलो, फंक्शनल ग्रुप,
तो इट्स लाइक कि प्रीफिक्स तभी होगा जब इसके अंदर पोजीशन रहेगी, मतलब दो अल्कोहल ग्रुप होंगे या फिर कोई साइड चेन वगैरह लगा होगा तब हम लोग प्रीफिक्स वगैरह ऐड करेंगे। हम देखेंगे एग्जांपल, लेट अस सी। सर एल्केन में तो होते नहीं है ना? क्या बेटा, एल्केन में फंक्शनल ग्रुप होते नहीं है? नहीं नहीं, एल्केन के अंदर से हम लोग एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं, ठीक है बेटा? एल्केनॉल, एल्केनॉल दोस्त का कॉमन नेम हो जाएगा, करेक्ट। तो उधर एल्केनॉल नेम वन और टू नहीं लिखना है? इधर वन और टू नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे एकदम लास्ट वाले पोजीशन पे ही था, फर्स्ट वाले पोजीशन पे ही था। अगर पोजीशन चेंज हुआ तो वन और टू आएगा बेटा, ठीक है? सर एल्केनॉल नहीं होता? एल्किनॉल भी होता है। धीरे धीरे हम लोग आगे तो बढ़ने दो, तुम लोग आगे बढ़ने दो। यस ठीक है, यस यस। चलो देखो, जितने भी अल्कोहल होते हैं ना, दे रिएक्ट विद सोडियम, विद रिएक्ट विद सोडियम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स शो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस। सर वो लिखना है वो? नहीं नहीं, वो सिमिलर केमिकल रिएक्शन था ना बेटा, सारे अल्कोहल जो होते हैं वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, सो दिस इज अ सेम सिमिलर केमिकल रिएक्शन, राइट बेटा? से यस, यस सर, यस यस। अच्छा अब देखो, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स की, जो हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, देखो ये जो सी डैश 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 दिया वो क्या है? आपका अल्काइल ग्रुप है। एक्चुअली यहाँ पे C नहीं देना चाहिए था, R देना चाहिए था। R पता है ना तुमको, अल्काइल ग्रुप वेरी गुड। सो OH इज फॉर अल्कोहल, NH2 इज फॉर अमाइन, CHO इज फॉर हल्डिहाइड, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O CO, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH, ठीक है बेटा? यस 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 सर। लॉन्ग विद लॉन्ग रन, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी आपकी, ये सब आपको बायहार्ट होना चाहिए। सर एल्डिहाइड में वो फॉर्मल फॉर्मल ग्रुप है ना? हाँ यस, उसका फॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। सर हाउ? सर वो प्रीवियस वो पीछे के स्लाइड में वो रिएक्शन था ना, सिमिलर रिएक्शन, वो सब फिर से बताओ, नहीं समझा। अच्छा एक मिनट देखो, मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल जितने भी अल्कोहल के कंपाउंड्स हैं उनको अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करूं तो कौन सा गैस रिलीज हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज, हाइड्रोजन, ठीक है? तो मैं मिथेनॉल लूं, मैं इथेनॉल लूं, मैं प्रोपेनॉल लूं, अल्कोहल फैमिली का कोई भी मैं मेंबर ले लूं, वो सिमिलरली सिमिलर केमिकल रिएक्शन दिखाएगा सोडियम के साथ, ठीक है? ऐसे ऐसे ग्रुप को जो आर के साथ आ जाए और सिमिलर रिएक्शन दिया है उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? यस सर, यस। ऐसा ये देखो, ये टेबल ना बड़ा प्यारा टेबल है बेटा, ठीक है? सो जस्ट सर इसको लर्न करना है, ये अपन हो जाएगा तुमको, तुमको अभी देख के बड़ा लग रहा होगा, स्ट्रक्चर वगैरह ये सेकंड yes. सभी आपको याद हो जाएगा। ये देखो सर लिखा है, एल्केन का सफिक्स क्या है? एन, एन। एल्कीन का क्या है बेटा? ईएनई, ईएनई। अल्काइन का क्या है? YNE. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हैलाइड, हैलाइड के हेलो हेलो हैलाइड हेलो हेलो सफिक्स नहीं होता है उसके अंदर सर। Hello? सर सर हाँ बोलो सर, अल्कोहल प्रीफिक्स में कभी आता है? अल्कोहल प्रीफिक्स में कभी आता है सर? हाइड्रोक्सी कब लगेगा? हाइड्रोक्सी कब लगेगा? ये देखो, हाइड्रोक्सी मीथेन, हाइड्रोक्सी मीथेन जब हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, हेलो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी व्हाट? हाँ हाँ क्लोरोक्वीन, हाँ करेक्ट। तो yes, जब sir. एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड पे लगे होंगे तब हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे बेटा, वो क्लासिफिकेशन भी आगे आने वाला है, ठीक है? थोड़ा सा सब्र yes, करो sir. हम लोग सब देखने वाले धीरे धीरे, ठीक है? यस यस। अच्छा एल्डिहाइड के लिए
फॉर्मिल और ऑक्सो भी लगाते हैं जब एक से ज्यादा प्रेजेंट हो दूसरे ग्रुप के साथ, वरना जनरल इट इज आल, एनाल, थेनाल, इसके नाल, उसके नाल, वो गुजरात को पंजाबी वर्ड है ना वैसा वाला नाल, प्रोपेनाल, हाँ प्रोपेनाल, इथेनाल, हाँ इथेनाल, हाँ तो वही भाई बोला ना मैंने, अभी, नालक, ये देखो, कीटोन, कीटोन के अंदर प्रीफिक्स इज ऑक्सो, बट ये प्रीफिक्सेस वाले बहुत कम यूज करेंगे हम लोग, ओन, मीथोन, कीटोन, सॉरी सर मीथोन होता नहीं है, क्या बोल रहे हो, मीथोन नहीं होता, वेरी गुड बेटा, आई वाज जस्ट वेटिंग कि कोई सुन रहा है कि नहीं, क्यों नहीं होता बेटा मीथोन शुभम, इससे सेटिस्फाई नहीं होगा बॉन्ड, कौन सेटिस्फाई नहीं होता सर, इसमें डबल बॉन्ड नहीं, करेक्ट 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 करेक्ट, उसमें मिनिमम आपको दो कार्बन एटम चाहिए होता है ना, यस, अच्छा एटाइल है आप, ओन, साइनो, नाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, इथर, एल्कोक्सी, 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 मीथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी, ठीक है बेटा, मीथोक्सी मीथेन, प्रोपोक्सी अल्के मीथेन, ऐसा ऐसा नाम आता है, प्रोपेन, हाँ भैया प्रोपेन, सब किस नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी, and last is oic acid, oic acid, propanoic acid, butanoic acid, acetic acid, acetic acid, citric acid, ये देखो carboxylate ion and carboxylic group are two different things, but इतना detail में अपने को जाना नहीं है, इसमें देखो oate, methanoate, ethanoate, सर दोनों में सेम लगते हैं, दोनों में ओएट है, ओएट क्या बोल रहे, हां ओएट लगेगा, यस करेक्ट सर, इथर, इथर किधर गया, ऊपर 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 गया ना, इथर, इथर में अल्कोक्सी लगा है, यस अल्कोक्सी, ये देखो असाइल हैलाइड, ये सब थोड़ा 12th में पढ़ेंगे तो अभी सिर्फ ऐसे देख लो इसको, एडवांस वर्जन है, अमीनो, मिथेनामाइड, अमाइड, अमाइड, कार्बोनिल अमाइड, मिथेनामाइड, नाइट्रो में नाइट्रो लगता है, नाइट्रो हल्के, सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड या फिर सल्फो, ये सब आपको ज्यादा काम नहीं आएगा, ये आगे जब अपन करेंगे तब, फिनोल नहीं, फिनोल, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग ने, काम आएगा बेटा, सर लिखा है, थियो अल्कोहल मतलब है, थियो अल्कोहल किधर है, थियो अल्कोहल सर वो पहले आपने बोला था ना, थियो अल्कोहल, थियो 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 किस में लगा है देखो सर, वो टीएच का, टी एच आई ओ, ये किस में लगा है सर, फंक्शनल ग्रुप SH है, हाँ फंक्शनल ग्रुप SH है, तो उसके अंदर सल्फर का ग्रुप भी अटैच्ड है, थायोनिल, थायोनिल रहता ना बेटा, यस यस, नो 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 नो, यू आर सिंगिंग शैरन, वी कैन नॉट हियर यू, नो शैरन वी कुडंट हियर यू, इट ऑल वेंट इनटू द सिंगिंग मोड, यू हैव टू रिपीट इट बेटा, हेलो, यस सर, हाँ शैरन कुछ बोल रही थी, उसका आवाज नहीं आया, ये तुम लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यस, फिनॉल भी है ना, फिनॉल, हाँ वो आगे देखेंगे बेटा, हेलो, यस, जी जी जी, गुड इवनिंग, आपको रिवर्ट नहीं आया भूपेंद्र का, मैं उससे बात करके आपको कॉल करता हूँ, अभी करता हूँ, जी जी जी, अरे सर वेलकम भाई, एक घंटे बाद कॉल करूंगा, हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर, यस, कैन वी मूव अहेड बेटा, यस यस, टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ेंगे ना बेटा, वैसे वैसे आप उसको देखने वाले हैं, देखेंगे अल्कोहल, किलो सब लोग अल्कोहल, हाँ वेरी गुड, एक चीज बाय हार्ट रहती है तुमको हमेशा, ये इसका स्टेप्स लिख के ले लो सब लोग,
आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, दिस इज स्टेप नंबर वन. इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? अल्कोहल. वेरी गुड. कहां दिख रहा है आपको? OH. अब इसको हम नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग कौन से एंड से करना चाहिए बेटा? राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट ऑलवेज. नो नो नो. आपने पिछले बार एग्जांपल दिया था ना इसका? मैंने पिछली बार से एग्जांपल दिया था, मुझे याद ही नहीं है. इसका सफिक्स क्या हो जाएगा पहले तो वो डिसाइड करो. ओएल हो जाएगा बिकॉज अल्कोहल है. यस. अतः सर 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 नंबर चेन को सर बोलो 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 पर वापस से एक स्लाइड पीछे लो ना. क्यों नहीं लिखा सर? नोट डाउन सर. नोट डाउन कर रहे थे. हां प्लीज नोट डाउन. प्लीज नोट डाउन. ये दिस विल हेल्प यू. सर डन. सर मुझे एक डाउट पूछना था. हाँ बोलो सर. आपने वो टाटा नमक की एड देखी है, उसमें बोलते टाटा नमक में आयोडीन रहता है. हाँ जी सर. लेकिन वो सॉल्ट का तो NaCl है, तो फिर उसमें आयोडीन किधर आता है? देखो बेटा, सॉल्ट में ना एडेड ये होते हैं, विटामिन्स वगैरह होते हैं, एडेड क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स होते हैं. तो प्योर सॉल्ट आयोडीन इज गुड फॉर आवर हेल्थ बट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट. ठीक है. तो वो लोग वो एड में जो है वो सिर्फ एक मतलब एक होवैक्स बना के देते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा आयोडीन है एंड दिस एंड दैट वैसा. तो आयोडीन भी बॉडी के लिए जरूरी होता है. NaCl के साथ मिक्स किया जाता है बेटा. NaCl के साथ मिक्स करेंगे ऐसा. ठीक है. यस. ये बड़ा किसने पूछा था आपको? ये डन सर. डन सर. कार्बन विच इज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप. राइट टू लेफ्ट किया तो लोएस्ट मिलता, लेफ्ट टू राइट किया तो लोएस्ट नहीं मिल रहा. इसलिए मैं राइट टू लेफ्ट करेगा और सेकेंड पोजिशन पे मेरे को अल्कोहल मिलेगा. यहाँ पे अगर ऐसा किया तो फोर्थ पोजिशन पे आता है. ये नको करने का बेटा. As per the naming convention, which case is correct? One. First. Very good. First case one is correct. Case two is wrong. Step three. Sir, must assign a root word. Sir, पीछे लो ना सर. Yeah, बेटा. लिख लो. उसको नंबर क्या मिल रहा है? टू. और अगर सेकेंड वे से करेंगे तो उसको नंबर क्या मिल रहा है? फोर. लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ना बेटा. यस सर. समझा बेटा? यस. आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. ये देखो, assign a root word. इसका root word क्या हो जाएगा? Pentane ना? Yes. Carbon atom में तो क्या हो जाएगा root word इसका? Pentanol. अरे भाई शांति रखो. Pentanol क्या बोल रहा है अभी से? अभी देखो pent. Primary suffix क्या हो जाएगा इसका? In. सिर्फ single bonds है तो alkene. In. In. Very good. Hey, secondary suffix क्या हो जाएगा इसका? Ol. Because ये alcohol है. Alcohol है. Ol. Functional group OH है. Alcohol है. तो इसका secondary suffix ol हो जाएगा. Ol. अच्छा, ये जो ol है, ये जो OH group है, इसका position कौन सा है? Second. इसका position है second. तो इसका नाम पूरा merge करके क्या हो जाएगा?
pentane 2 all सर 2 pentanol बोला तो pentanol बेटा 2 pentanol भी करेक्ट है बट एज पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स वो 2 को बीच में डालते हैं कैसे डालते हैं ऐसे डालते हैं बेटा pent and 2 all इस तरीके से 2 pentanol भी करेक्ट है वो हम लोग लिखते थे जब हम सर कॉमा डैश किधर किधर आएगा ना किसी भी नंबर और लेटर के बीच में हमेशा डैश आएगा तो यहां पे नंबर और लेटर कौन-कौन सा है 2 है और उसके आजू-बाजू में नंबर है तो डैश डाल देने का pent and 2 all e usme se nikal jayega primary suffix wale mein se because do vowel ek sath nahi aa sakte e samjha kya nahi yes sir yeah pent and 2 all isko 2 pentanol bhi bologe to bhi correct hai but I would suggest ye wala follow karo ye latest standard hai beta theek hai yes yes sir acha ab dekho beta यहाँ पे क्या दिख रहा तुमको दो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन या यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स है कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स है कीटोन दिख रही और कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दिख रही अच्छा अच्छा अब देखो अब हम इसको कैसे कैसे इसको नोमेनक्लेचर करेंगे कीटोन भी है कार्बोक्सिलिक एसिड भी है They are polyfunctional compounds. More than one functional group attached. Hai. What will this kind of a compound be called as? It will be called as polyfunctional compound. Okay? In such compounds, principal functional group kaise choose karega? Ye table follow karenge. सर दो मिनट स्लाइड पीछे लो ना देखो बेटा ऑन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट होता है ठीक है ये टेबल याद रखना इस टेबल के हिसाब से हम लोग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करते हैं मोस्ट प्रेफरेंस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लीस्ट प्रेफरेंस इज अल्काइन्स सर लिखना है ना ये भाई हाँ भाई हाँ बहुत जरूरी है फोटो ले लो लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो वो तुम्हारे ऊपर है बट लिख रुको रुको इसका नोट कर सर डन सर नो यस नो सर लिख रहा है सर दो मिनट के लिए स्लाइड पीछे लो ना मैं बिल्कुल पीछे आगे यस सर यस ओके सब यस सर यस नो सर क्या बोल रहे हो लिखने का है अरे सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ ये थोड़ा लंबा टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिखते रहना घर पे यस ठीक है हाँ बेटा सर मुझे रूल 3 और 4 का दिखाना स्क्रीनशॉट लेने ये बोल रहे हो बेटा नो सर रूल 3 और 4 स्टेप 3 और 4 कार्बोक्सिलिक एसिड का हाईएस्ट प्रायोरिटी है सल्फोनिक एसिड इस्टर्स अमाइंस हल्काइंस
ये देखो इस टेबल के हिसाब से कीटोन नीचे है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज गोइंग टू बी ऑन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है. वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जहां जिस कार्बन एटम के पास में है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसलिए हम उसको राइट टू लेफ्ट नंबर करेंगे. अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है बेटा? ओइक एसिड. यस. अच्छा अभी ये फंक्शनल ग्रुप तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, उसको उसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे. अब तुम लोग को टेबल समझ में आएगा जो मैंने आपको पहले बताया था. ठीक है, यहाँ पे है कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? वेरी गुड. नहीं, प्रीफिक्स प्रीफिक्स इज ऑक्सो. सफिक्स इज सो. ये बेटा मैंने बताया था ना प्रीफिक्स सफिक्स का टेबल. यस यस. इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 5-ऑक्सोहेक्सानोइक एसिड. ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, ये काफी काम आएगा तुमको. जहां पे भी तुमको पॉली फंक्शनल कंपाउंड जाएंगे उस टेबल का यूज करके, इन फॉर्मुलेस का यूज करके आप ऐसे नाम लिखेंगे. सर वन नहीं लिखना. तुम्हारा आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है बच्चे. सर वन नहीं लिखना है क्या? क्या नहीं लिखना है? वन. नहीं नहीं नहीं, वो तो हम लोग ने प्राइमरी कंपाउंड में उसको यूज कर लिया ना बेटा. हेक्सेनोइक एसिड में आ गया ना, वो तो ओइक एसिड में आ गया ना बेटा, सफिक्स में. यस सर. ओके. यस. अच्छा ये हो गया लिख के सबका. यस सर. यस यस. स्टेप 6 क्या था सर? क्या बोल रहे हो बेटा? स्टेप 5 और स्टेप 6. स्टेप 5 और स्टेप 6. तुम लोग ऐसे मुझे क्यों पीछे लेके जाते हो? नहीं YouTube पे पढ़ते ना लिख. अरे वही स्टेप 6. यस यस सर. यस सर. Now let us see. And same functional group is repeated twice, once in the compound. तभी हम लोग di, tri, tetra ये सब use करेंगे. ठीक है? Di, all. ठीक है? Ethan diol है ना बेटा ये? Because इसमें दो carbon atom. Yes. 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 So ethan diol. सर लास्ट में ई नहीं लगेगा ना? नहीं. ई टी एच एन. नहीं नहीं, एथ सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए एन ई. प्रीफिक्स इज एन. दो कार्बन एटम है इसलिए एथ. इथेन 1,2-diol. ये देखो इसका हो गया क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में. ठीक है, अगर आप सिर्फ इथेन डायोल लिखोगे तब ई नहीं आएगा, बट अगर आप IUPAC के सारे रूल्स फॉलो करके उसका पोजीशन भी मेंशन करोगे 1,2-diol, तब होगा ये ethane 1,2-diol. But it is very obvious कि ethane में दो कार्बन एटम्स हैं, और अगर क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं, हाँ लेकिन ये दो दो अलग अलग, इस पे तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. अगर सेम कार्बन एटम पे होता 1,1 तो क्या लिखते हम लोग? ethane 1,1-diol. Yes sir. Yes. 1,2-diol. ये देखो आपके सामने एक कंपाउंड है. सी एन कौन सा ग्रुप है? नाइट्राइल ग्रुप है. वेरी गुड. अच्छा ओ एच कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल. और ये अल्केन है कि अल्कीन है? अल्काइन. गौर से देखो, अल्काइन होने के लिए कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए. कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है. तो ये क्या हो गया? अल्कीन हो गया है. कौन सा अल्कीन है? 1,2,3,4,5. स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, तो पेंट इसका रूट वर्ड है. और इसमें अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो ये ईन है. ठीक है. अच्छा अब नाइट्राइल और अल्कोहल, इसमें से कौन किसको प्राइमरी कंसिडर करोगे? अभी टेबल बताया था
सर स्क्रीनशॉट ले आओ. हाँ तो क्या हुआ? अच्छा हाँ तो मोबाइल पे. ओ हो ओ ठीक है लेट्स सी. समझ रहे हो सर? नाइट्राइल आएगा. नाइट्राइल नाइट्राइल ओके ओके ओके. नाइट्राइल ग्रुप इज हायर प्रायोरिटी और अल्कोहल इज लोअर प्रायोरिटी. प्रायोरिटी ठीक है. अल्कोहल ग्रुप लोअर प्रायोरिटी, नाइट्राइल ग्रुप हायर प्रायोरिटी. तो हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सी पोजीशन वन हो जाएगा नाइट्राइल ग्रुप का. थर्ड ग्रुप पे, थर्ड ग्रुप पे अल्कोहल है ठीक है. और फोर्थ कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड भी मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे. कैसे करना? थ्री हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल पेंट फोर इन वन नाइट्राइल. लुक एट इट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. थ्री हाइड्रोक्सी थर्ड कार्बन आइटम पे अल्कोहल लगेला है तो हाइड्रोक्सी. फोर्थ कार्बन आइटम पे मिथाइल ग्रुप, अच्छा सॉरी मैं भूल गया था, मिथाइल भी लगा हुआ है तो फोर मिथाइल पेंट फोर इन. फोर इन क्यों? बिकॉज चौथे कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड लगा है ठीक है. एंड वन नाइट्राइल. वन नाइट्राइल फोर इन क्या है? फोर इन फोर्थ कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड है इसलिए पेंट इन फोर इन ठीक है. सर ये साइनाइड ग्रुप है ना? और ये नाइट्राइल ग्रुप है बेटा. साइनाइड हाँ साइनाइड यस कॉमन नेम साइनाइड यस यस. हजम हो रहा है क्या? यस थोड़ा थोड़ा. ए थोड़ा थोड़ा क्यों? डाइजेस्ट. हाँ शारन तुम्हारा आवाज क्यों ऐसे अजीब आ रहा है? बोलो बेटा बोलो. सर उसने चैट में लिखा है सर ए. सर ए ए मेरे को तो मैं ए नहीं बोल सकती. यहाँ पे जस्ट बिकॉज देर आर टू मेनी बॉन्ड्स एंड टू मेनी साइड चेन्स जस्ट टू स्पेसिफाई इट आई एम राइटिंग वन. अगर आप वन नहीं भी लिखोगे बेटा तो भी ये चल जाएगा ठीक है. Yes. Sir on. Sir हो गया? नहीं नहीं वो शेरॉन का यस के इंतजार कर रहा हूँ. उसने डाउट पूछा था ना. शेरॉन डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? यू कैन सिंग एंड से यस आल्सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. तुम लोग अभी लेक्चर थोड़ी आ गए. नो लेक्चर्स. नो लेक्चर्स. नो आई गेस शेरॉन हैज अंडरस्टूड दिस. ही ए मैं डिस्कनेक्ट हो गई. रिपीट. ए भाई ए डिस्कनेक्ट हो गई. शारन मैं आपको ये बोल रहा था. अच्छा चलो मैंने तो ये आंसर दिया. कोई उसको रिपीट करके बताओ क्यों ऐसा लिखा है. तुम लोगों को समझा है ना सबको? सर इधर डबल बॉन्ड आया ना इन. सर यहां पे बहुत सारे बॉन्ड है ना. रहने दो मैं बता देता हूँ. मैं बता देता हूँ. देख बेटा हम लोग ने वन यहाँ पे स्पेसिफाई इसलिए करने को लिखा है बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे साइड चेन भी लगा हुआ है, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप भी है इसलिए वन लिखा है. बट अगर आप वो वन नहीं लिखोगे ना तो भी वो चल जाएगा. आप यू कैन स्टिल राइट इट. बट वो इन के बाद नाइट्राइल थोड़ा वियर्ड लगता है इसलिए वहां पे वन हमने डैश मेंशन कर दिया है. वन नहीं भी लिखोगे नाइट्राइल सेपरेटली लिखोगे बेटा तो भी चलेगा. ओके शरण सर वो सी एन पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें से सी क्यों लिया? क्या बोल रहे बेटा फिर से बोलो. सर वो सी एन जो है पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है. हां तो उसको फर्स्ट क्यों लिया? उसको क्या लिया? सी को फर्स्ट पोजीशन क्यों लिया? सी फर्स्ट पोजीशन क्यों लिया? एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड एन इज योर फंक्शनल ग्रुप ठीक है. वहां से तीन हाइड्रोजन निकाल करके नाइट्रोजन अटैच किया है. कार्बन को तो मैं कंसीडर करूंगा ही हमेशा बेटा ठीक है. Yes. Okay, Shubham. Yes, sir. ठीक है. Sharon, did you understand?
यस डन सर. चलो देन वी विल कंटिन्यू टुमारो. ओके ओके सर बाय. यस सर बाय 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 एवरीवन बाय सर बाय बाय सर बाय 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 सर. हेलो सर.